उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में पुलिस अभी सराफा डकैती कांड से उभरी तक नहीं थी कि बुधवार रात बदमाशों ने सरेराह सराफा व्यापारी को लूट लिया। बदमाशों ने ना सिर्फ सराफा व्यापारी से लाखों के आभूषण छीने बल्कि उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। थे हाँ। चार लोग थे हाँ। साइड लगा के हमारे पास हमारे गाड़ी में साइड मार दी, हम गाड़ी गिर गए इधर हाँ। दोनों झोला हमारा लूट नंबर पहले फोन करा 100 नंबर पर हाँ। दोनों झोला हमारा लूट के जबरदस्ती हमको बट से मार दिए हमारे यहाँ फोन कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। हेलो। व्यापारी से लूट की खबर सुनते ही क्षेत्रीय पुलिस के साथ मौके पर पुलिस कप्तान और आईजी रेंज तफ्तीश करते दिखे। एसपी सोमेन वर्मा ने जल्द लूटकांड का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया। आज दिनांक 6 नवंबर की साय थाना गुसाईगंज क्षेत्र में सुगना बाजार में एक व्यक्ति सुरेश चंद सोनी है, इनकी यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान है। शाम को ये अपनी दुकान बंद करके अपने घर को जा रहे थे तो इनके द्वारा सूचना मिली कि इनके साथ में कुछ लोगों ने, चार लोगों ने पीछे से गाड़ी लगा करके इनको टक्कर मार दी और इनके हाथ में दो झोले थे, वो लूट करके भाग गए। इनके सिर में चोट आई है और अभी इनसे पूछताछ की गई तो अभी ये बताने में असमर्थ हैं कि ये बता नहीं पा रहे हैं कि इनका कितना सामान उस झोले में था। इसके साथ ही इनकी कुछ पुरानी रंजिश की बात भी प्रकाश में आ रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है, शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। दरअसल गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भरतीपुर निवासी सुरेंद्र चंद्र सोनी की सुदनापुर बाजार में सुरेश ज्वेलर्स नाम के आभूषण की दुकान है। बुधवार शाम को व्यापारी दुकान बंद कर बाइक से घर को लौट रहा था। वह सुदनापुर बाबूगंज मार्ग पर भरतीपुर नहर से 100 मीटर पहले पहुंचा, तभी कार सवार बदमाशों ने बाइक में टक्कर मारकर आभूषण व्यवसायी को सड़क किनारे गिरा दिया, जिसके बाद कार से उतरे चार बदमाश आभूषण से भरा बैग छीनकर भागने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यवसायी के सिर पर असलहे के बट से हमला बोल दिया। जब सुरेश लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो कार सवार बदमाश लाखों का आभूषण लेकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पर पहुंचे सीओ रमेश कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार वर्मा और चौकी इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन उनका सुराग नहीं लग सका। बदमाश कितने का आभूषण लेकर फरार हुए इसका अभी तक सटीक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लगभग 10 लाख का माल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घायल अवस्था में सुरेश चंद्र को सीएससी कुरेभार ले जाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी सोमेन वर्मा ने घटना के खुलासे को लेकर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। फिलहाल सुल्तानपुर में सराफा दुकान के अंदर घुसकर करोड़ों की डकैती के बाद हुए दो एनकाउंटर के बावजूद जिस तरह बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया वह पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।